अलिफ लाम मीम। माशाल्लाह। कुरान पाक किस नबी पर नाजल हुआ? अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूँ नदीम गोरी। ये छोटे छोटे उशाकाने रसूल बता देंगे कि अर्श वाले ही नहीं फर्श वाले भी अपनी शान शान सरकार की आमद का मेलाद मनाते हैं। या रसूल अल्लाह, या सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, बोल नूर की आमद, हुजूर की आमद, सच्चे की आमद, प्यारे की आमद, मीठे की आमद, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, या रसूल, या रसूल, मरहबा, 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 मरहबा। मुस्तफा के खूबसूरत और मुकद्दस प्रोग्राम के बाद हमने एक सिलसिला ये भी शुरू किया है कि बच्चों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। तो बच्चों से सबसे पहला सवाल ये है कि कुल दुनिया में कुल कितने पैगंबर आए और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से नंबर पर आए? जो जिसको जवाब आता है वो हाथ खड़ा करे। खड़े होके, खड़े होके बताएं। 1,24,000 और आखिरी नबी हमारे। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हम देंगे ये 50 रुपीज इनाम आपका, ठीक है? बच्चों रेडी। कुरान पाक किस नबी पर नाजल हुआ? हाथ खड़ा करना, जवाब किसी ने नहीं देना, जिसे पूछा जाए वही वही जवाब देगा। ले जी, अब अगला सवाल ये है कि कुरान पाक के कितने पारे हैं, ठीक है? पहले पारे का नाम क्या है? जो अभी तो पूछा ही नहीं हमने, बताओ। सूरतुल बकरा। कितने पारे हैं हमारे? 30। तो पहले पारे का नाम क्या है? सूरतुल बकरा। नहीं, इसका सवाल नहीं थी। और कोई बताएगा पहले पारे का नाम क्या है? आप इधर आओ, इधर आओ, ये बच्चा बताएगा जी। आप बताओ पहले पारे का क्या नाम है? अलिफ लाम मीम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपके लिए, ये जी, ये सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह पढ़ के दे जी। कलमे कितने हैं? हाथ खड़ा करो। और अच्छा, छठा कलमा किस किस को आता है? छठा कलमा रद्दी कुफार, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व आलमु। ये आखिरी सवाल है ये बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का और वालदा का क्या नाम है? जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे। हाथ खड़ा करो, बोले कोई। का नाम हजरत अब्दुल्लाह, वालदा का नाम हजरत आमिना। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ले जी बिस्मिल्लाह। नहीं अब हो।